कौन अपनी जान देने जाएगा, मजबूरी में नौकरी के लिए वो चला जाएगा, पर उसमें वो जज्बा होगा क्या जो होता है। राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है जी, सांसद से, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रही, क्या वो इलीगल है? नहीं, इलीगल तो वो जल्दबाजी में किया, उसको टाइम देना चाहिए था सॉरी ऊपर कोर्ट में जाने के लिए। सबसे खराब काम हुआ है कि उसको पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई स्पीकर की तरफ से, जो उसका अधिकार था। जब उसके खिलाफ तीन मिनिस्टर बोले तो उसका ये अधिकार, उसकी गैरहाजिरी में बोले तो उसका ये अधिकार था कि वो उनका जवाब दे, लेकिन वो स्पीकर ने उसको अधिकार नहीं दिया। सर, अमित शाह ने कहा है कि आप उनसे दूर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे कितना दूर हो चुके हैं, क्या कुछ? अमित शाह साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनसे मैं किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहता। उनकी जो एक मूल बात है और वो ये है कि जब वो गवर्नर थे तब उन्होंने ये बातें नहीं उठाई, तो मैं एक करेक्ट कर दूं, मैंने तब पुलवामा भी उठाया था, सेम डे उठाया था, अगले दिन उठाया था, कई बार उठाया था, और किसानों वाले मुद्दे भी मैंने जब मैं गवर्नर था तभी उठाए थे। तो ये गलत है कि मैं जब पावर से हट गया तब मैंने उठाया। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, नारा दे रही है, लेकिन जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरने पे बैठे, बहुत शर्मनाक बात है। और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊँगा, बच्चियों से, कितनी मेहनत करके कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, और उनका और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया तो बहुत मजबूरी में कहती है, और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने MP को हटा नहीं रहे हो। सर, राज्यपाल रहते हुए आपके कई बार ऐसे बयान है जो ताल्लुक नहीं रखते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से जी, उसके बाद भी कभी इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए या आपको हम हटा देंगे? मैं तो जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता था इस्तीफा जेब में रख के जाता था, अगर मेरे से एक बार भी मांगते, चूँकि मैं इस बात का आभारी हूँ कि उन्होंने ही मुझे बनाया, और ख़ास तौर से अमित शाह जी कहते तो एक मिनट में दे देता इस्तीफ़ा, लेकिन मुझे एक आध लोगों ने सलाह दी कि तुम बेवकूफ़ी मत करना, बिना मांगे मत देना, मांगे तो देना। सर, राजनाथ सिंह एक बड़ी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी में है, फिलहाल उनके करियर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, किस तरफ करियर जा रहा है, क्योंकि आप भी काफ़ी BJP के अंदर काफ़ी बड़ी शख्सियत माने जाते हैं? मैं उनके करियर पे कैसे